खबर सूर्यनगरी जोधपुर से है, जहां पर अरुणाचल में शहीद हुए जोधपुर जिले के फीज गांव निवासी राजूराम का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचा, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई, जिला कलेक्टर प्रकाश पुरोहित, तहसीलदार ACP बोरानाड़ा मांगीलाल राठौर, लूणी थानाधिकारी सुनील चारण सहित मौजूद सभी अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। सैन्य टुकड़ी ने शहीद को सशस्त्र सलामी दी और मातमी धुन बजाकर सैन्य सम्मान दिया। आपको बता दें कि शहीद राजेश बिश्नोई आर्मी कोर 505 बटालियन में तैनात थे और अपनी ड्यूटी के लिए तवांग की ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में तैनात थे, जहां पर दो दिन पूर्व उनकी गाड़ी पहाड़ी से फिसल कर खाई में जा गिरी। इसी के कारण वो वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी अंतिम यात्रा में समूचा गांव उमड़ पड़ा। उनके परिवार में वीरांगना और दो बेटियां, वृद्ध माता पिता, दादा दादी सहित अन्य परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। राजू राम जी बिश्नोई शहीद हो गए, उनको आज हम सभी लोगों ने और हमारे विधानसभा के काफ़ी गांवों के लोगों ने अंतिम विदाई दी। उन्हें राज के सम्मान से आज अंतिम विदाई दी गई। इसमें एक जज्बा होता है फौजी का, जो अपने देश के लिए जान गंवा सके, ऐसे बहुत कम सपूत होते हैं। उनमें ऐसे ही एक हमारे राजू राम जी थे। मैं इनके परिवार को और इनके परिजनों को सबको ढांढस उनको हिम्मत दे, भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे।